पुलिस सर कुछ कार्यवाही नहीं कर रही, आश्वासन दे रही है, झूठा आश्वासन दे रही है पुलिस, कुछ कार्यवाही नहीं कर रही। हमारे सर कोचिंग छुट्टी पड़ी है धमकियों की वजह से, कॉलेज जाने बंद कर दिया हमने सिर्फ एक धमकी की वजह से। इनका बाहुबल है सर, ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, हम क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी प्लान करने की, जब सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिल रहा हमें, झूठे आश्वासन दे रही है पुलिस। ये हमारे यहाँ के लोग मिलाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ से भी उन्हें बताता है, वो धमकी देता है, दुकान निकलने के बाद, जेल से आने के बाद फिर मारूंगा, छोड़ने का नहीं हूँ, वो धमकी दे रहा है। उस दिन हमारे यहीं गाँव में भी जाने से पहले, जेल जाने से पहले भी उसने ये बात बोली थी, गाँव में हमें किसी ने बताई थी, दुकान में 3 दिन और जेल नहीं गया ना तो इनका नाश करूंगा, पंडितों का, मैं इन्हें मारूंगा। 3 जनों के नाम लिए थे उसने, कुलदीप, विकास शर्मा और अशोक शर्मा, जिनके हाथ पैर तोड़े हैं, उन्हें तो खैर तोड़ दिया, उनकी राड पड़ी हुई है, हड्डी थी बिल्कुल मछली हुई है उनकी, और पुलिस प्रशासन फिर भी कुछ नहीं कर रहा। अब प्लान की बात है सर, प्लान तो हम करेंगे ही करेंगे, हम धर्म भी बदलेंगे अगर हमें कोई वो नहीं हुई तो। महिला घटनाओं का अल्पीकरण हो रहा है मुरादाबाद में भी, अमरोहा में आज घटना है, वहाँ हसनपुर क्षेत्र की मटेना जगह है, 4-5 फैमिली, ब्राह्मण फैमिली प्लान कर रही है, मटेना हसनपुर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अल्पीकरण या वर्किंग नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं। जैसा हमने कहा कि हमने प्रयोगात्मक तौर पे गाजियाबाद में डायल FIR भी चलाया है और पूरी स्वतंत्रता है हर एक नागरिक को कि वो जाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराए। यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक सूचना है तो मैं IG को कह दूंगा, वो उनको देखेंगे, लेकिन अल्पीकरण की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम मुकदमे बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक दर्ज कराए।